अब ऐसे लोगों को मतलब कि टिप्पणी करते हैं जिसको हमें कोई हक नहीं करने का, ये हलवाई की दुकान पर गए ये तो सच है और 100 ग्राम जलेबी लिया, जब खा चुके तो दुकानदार से कहा कि अगर मैं पैसा न दूं तो क्या आप करेंगे, कहने लगे मैं 5 जूते मारूंगा, तो कहने लगे फिर 100 ग्राम और दे दो। तो ये देखिए नेताओं के सिलसिले में हम कुछ नहीं कहते और ना कहना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक रही नहीं कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। एक मर्तबे भगवान राम को मजाक सूझा, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ऐसे शारीरिक समेत ऐसे उठा लिया हो। एक आदमी को लेके गए, भगवान राम ने पूछा ये कौन है, कहा ये सिंधी है, बनाते कुछ नहीं बेचते सब कुछ है। भगवान राम ने बड़ा आदर सम्मान किया, कुर्सी दिया बैठने को। दूसरा दूत जो है तो एक खद्दरधारी बहुत तंदुरुस्त आदमी को लेके गया, भगवान राम ने पूछा ये कौन है, कहा ये नेता है, कहा ये कहाँ से है, कहा ये देश में बुरी तरह पाए जाते हैं। और भगवान राम ने न उनका स्वागत किया, न आदर सम्मान किया, न कुर्सी दिया बैठने को। तो बड़ा दुख हुआ दूत को और उसने कहा हे राम जी, आपने सिंधी का तो बड़ा आदर सम्मान किया, कुर्सी दिया, हाथ मिलाया, और ये देश के इतने महान नेता का आपने अपमान किया, न कुर्सी दिया बैठने को और न उससे कोई बातचीत की। भगवान राम ने कहा खामोश, अगर मैं उठ जाता तो मेरी कुर्सियां बैठ जाता, ये खतरा। तो जिससे भगवान राम पनाह मांगे उनके पनाह में हम लोग हैं। और देखिए भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का पैदाइशी हक है, इसमें किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने कभी कहा था कि कुछ दिन मां पोस्टर ही छपवाए दिया जाए, कुछ दिन मां पोस्टर ही छपवाए दिया जाए, जे कुछ न ले उल्टा लटकाए दिया जाए, और बात मजूरन का समझाए दिया जाए, जे मांगी मेहनताना खलियाए दिया जाए, और उठवा के दई के जीरा बहलाए दिया जाए, और बकरी के मुंह में कोहरा अड़ियाए दिया जाए। तो ऐसा होगा तो घूस को बुरा नहीं मानते। आइए मैं जिस कवि और जिस फनकार को बुलाने जा रहा हूँ उसकी आवाज में भी जादू है और कविता में भी जिंदगी है। कद के छोटे हैं लेकिन कविता में हमारी पर्वत का वो कद रखते हैं। ये नाम है भाई फारूक सरल का, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि आए और अपनी कविताओं और शायरी से हम सबको आनंदित करें। हम माइक उनके हवाले कर रहा हूँ, आप सबको भगवान के हवाले कर रहा हूँ। आ रहे हैं फारूक सर। भाई की बात बता रहे थे, वो पूरी बात नहीं बताया धीर जी ने, उनकी माता जी भी थी। और एक भाई उसमें बड़ा धार्मिक था, बड़ा पुजारी था, अपने नियम का पाबंद था। इत्तेफाक से उनकी माँ का इंतकाल हो गया, मर गई, तो तीनों भाइयों ने उसको मारना शुरू किया। और मारते जाते थे तो कहते जाते थे कि अबे तेरी बदौलत मेरी माँ मरी है, नहीं भगवान को क्या पता कि हम लोग कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते। तो अधीर जी बहुत बढ़िया। अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूँ, आपका तो बड़ा लाडला कवि है वो, लेकिन उससे पहले मैं 2 शेर में सुनाना चाहता हूँ कि दिल्ली चला गया तो कोई लखनऊ गया, दिल्ली चला गया तो कोई लखनऊ गया, अच्छा हुआ यहाँ से लुंगाड़े चले गए। और 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू मुसलमान जुम्मन मियाँ से कह के ये पाड़े चले गए, और उनकी सुहाग रात का आलम न पूछिए, जंगिया लंगोट लेके अखाड़े चले गए। ये है भाई डंडा बनारसी, आइए डंडा चलाइए और हम तो खूब हंसाइए भाई डंडा बनारसी के। एक वाक्य बता रहे थे, अपने यहाँ इनके पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, तो उन्होंने मकान बनवाया, तो इनसे कहा जाहिद साहब आइए मेरा मकान देख लीजिए। गए तो
गुथुन खाना स्नान घर भी देखा तो वहां तीन बम्बा लगा हुआ था। जाहिद साहब ने कहा ये हर जगह दो देखा, ये तीन आपके डॉक्टर साहब ने लगवा रखा है। कहने लगे भाई जाड़े के मौसम में गर्म पानी आता है इससे, इसके नीचे बैठ के नहाता हूँ, और एक में ठंडा आता है और गर्मी के महीने में ठंडे पानी नहाता हूँ। और कहने लगे ये, कहने लगे इसमें पानी नहीं आता, जब नहीं नहाने की मूड होता तो इसके नीचे बैठ जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब की विशेषता ये है कि घर छोटा है, मकान ऊपर बनवाए हुए, रहने की जगह वो है, दवा खाना ऊपर करते हैं, अब बोर्ड लगाए हुए हैं कि ऊपर जाने का रास्ता यही है, ऊपर जाने का रास्ता यही है। जो मरीज जाता है उसको दो खुराक दवा देते हैं, एक अभी खा लेना और एक सुबह अगर आँख आँख खुल जाए तो खा लेना। ये हमारे जाहिद साहब थे, इन्होंने अपना वाकया बताया। आइए, मैं बहुत तंदुरुस्त कवि को अब बुलाने जा रहा हूँ। राय बरेली से हमारे बीच आए हैं और वो ये कहते हैं कि मुझसा कोई शरीफ जमाने में नहीं है, मुझसा कोई शरीफ जमाने में नहीं है, तस्वीर मेरी कौन से थाने में नहीं है। आ रहे जनाबे मधुप श्रीवास्तव जी, हाथ सर देंगे कि बहुत ही लाजवाब कवि, तालियां बजा दिया कीजिए, इसलिए बजा दीजिए कि बहुत बहुत शुक्रिया, क्या धुआंधार ताली बजाई आप लोगों ने, तालियां बजा दीजिए ताकि इनको कुछ ऊर्जा मिल जाए, कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, हाँ पत्नी चालसा जरूर सुनना चाहिए। ये फैजाबाद से भी जब जिस बस पे आ रहे थे, इनके बगल में महिला बैठी हुई थी और ये जब झुके तो उसको बड़ा गुस्सा लगे, घूर के देखे तो एक मर्तबे ने कहा आप क्यों बार बार हम जब झुकते तो आप घूरती क्यों है। कहने लगे इसलिए जो पैर आप खजवा रहे हैं वो आपका नहीं मेरा है, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा आपके ऊपर। आइए पत्नी चालता के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तारा चंद तनहा के लिए।